नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएड एंड यूएलसीटी एडमिशन के बारे में है। बीएड एडमिशन के बारे में मैंने लगभग 20 वीडियो बनाए हैं, जिसके ऊपर 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब कैंडिडेट को इसका फ़ायदा हुआ। इसके ऊपर 2000 से ऊपर कॉमेंट्स भी आए हैं, जिसका जवाब देने की मैंने कोशिश की है। कुछ कमेंट को देखकर मुझे ऐसा लगा कि वीडियो पूरी तरह से नहीं देखा गया है, इसलिए शायद कुछ जो डाउट्स थे वो रह गए थे। लेकिन मैंने भी उनकी भी कोशिश की है कि मैं उनका भी जवाब दे दूं। मेरा आपसे सजेशन है और अपील भी है कि आप गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है BEDHEPRAVESH.IN की, तो वो आपको रेगुलर देखनी चाहिए। उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दी है, आपको किसी भी कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप ठीक से वेबसाइट देखते हो। फिर भी कुछ बातें आपको अगर समझ में नहीं आती है, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यह वीडियो है एडमिशन के बारे में कि आपको एडमिशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन प्रोसेस किस तरह से करते हैं। अब मान लीजिए, जैसे कि आपको पता है 14 जनवरी को शाम 5 बजे के बाद बीएड एडमिशन की लिस्ट आने वाली है, जिसमें आपको ये पता चलने वाला है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। अब ये कॉलेज पता चलने के बाद आपको क्या करना है, 15 तारीख से लेकर 18 जनवरी तक आपको ये एडमिशन प्रोसेस करनी है कॉलेज में जाकर। इसमें क्या करना होगा, आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म और एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर भी आपको आपके लॉगिन में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके आपको कॉलेज में जाना है, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है 15 से लेकर 18 तक। आप 19 तारीख को जाएंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आप 15 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक जाइए कॉलेज में और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाइए। वो वेरीफाई हो गए जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो, और आपके मार्क्स, ये टैली होने के बाद आपको जो भी फीस होगी उस कॉलेज की, वो फीस भरने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है सारी, आपको ये कहाँ से पता चलेगा आपको कौन सा कॉलेज मिला है, तो आपको ऑनलाइन जो BEDHE प्रवेश की जो साइट है वहीं पर आपको मिल जाएगी, वहीं पर आपको पता चलेगा कौन सा कॉलेज मिला है। तो आप प्रोसेस बिल्कुल आसान है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ और फीस के साथ कॉलेज में जाना है, जिस कॉलेज में भी आपको एडमिशन मिला है, जो भी कॉलेज आपको लेना है। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि आपको जो कॉलेज चाहिए उसका एडमिशन आपको नहीं मिला है, तो उसके लिए आपको एक बार फिर से राउंड वन पूरा खत्म होने के बाद 21 फरवरी से लेकर आपको शायद 23-24 फरवरी तक आपको फिर से एक बार फॉर्म एडिट करने की मौका मिलेगा। अब इसमें कौन कौन फॉर्म एडिट कर सकता है, एक कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने आज तक CET के बाद फॉर्म ही नहीं भरा है, तो वो भी इस वक्त फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने CET दी है लेकिन राउंड वन के लिए एप्लीकेशन नहीं किया था। उसके अलावा जिन्होंने राउंड वन के लिए एप्लीकेशन किया था वो भी कैंडिडेट इस राउंड के लिए एप्लीकेशन भर सकते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर वो चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी के पास कोई सर्टिफिकेट आ गया है, नहीं था, उसके बारे में कुछ करेक्शन है, या फिर मार्क्स भरते समझ कुछ दिक्कतें आई थी, तो वो भी यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं। तो नए कैंडिडेट भी CET जिन्होंने दिए फॉर्म भर सकते हैं, जिन्होंने भरे हैं वो एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका राउंड टू के लिए नंबर लगेगा, उसके लिए आप पूरा शेड्यूल देख लीजिए। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि आपको एडमिशन प्रोसेस समझाना कि जब आपको जो कॉलेज चाहिए वो मिलने के बाद आपको क्या करना है। फिर से एक बार सारांश में समझा देता हूँ, एक आपको लिस्ट देखनी है कहाँ पर कौन से कॉलेज में आपको आपका नाम आया है। अगर आपको वही कॉलेज चाहिए था जिसमें आपको एडमिशन मिलने वाला है, तो आप प्रोविजनल लेटर डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद उस लेटर के साथ आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑप्शन फॉर्म है और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वेबसाइट के ऊपर, सारे लेकर आपको कॉलेज में फिजिकली जाना है, ऑफलाइन जाना है और वहाँ पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है कॉलेज में से, उसी कॉलेज में जहाँ कॉलेज जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। और फिर उसके बाद कॉलेज की जो भी फी है वो भरनी है, और वो फिर भरने के बाद कॉलेज अपनी तरफ से आपका आपको एडमिट करवा लेगी। ऑनलाइन ये प्रोसेस होती है, लेकिन ये प्रोसेस आपको उन्हीं दिनों में करने, जिन दिनों में जो ड्यूरेशन दिया है, जैसे राउंड वन के लिए दिया है 15 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक, तो इन्हीं 4 दिनों में होगा, आपको एक भी दिन आगे पीछे नहीं हो सकता अगर शेड्यूल कोई चेंज नहीं होता है। तो अपनी तरफ से अलर्ट रहिए और ये 3 राउंड डिक्लेयर करें, सारे शेड्यूल की जो डेट्स है वो याद रखिए, कैलेंडर पे लिख लीजिए, रिमाइंडर लगा लीजिए मोबाइल में, लेकिन ये डेट मिस नहीं होनी चाहिए। आपको हर रोज़ ये वेबसाइट चेक करनी होगी, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप उसको रोज़ देखिए, 2 बार देखिए, ये शेड्यूल अगर कुछ चेंज होता है, कुछ भी अपडेट्स आता है तो सारा वेबसाइट के ऊपर आता ही है। गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसेस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है,
इसमें किसी भी कोई एजेंट का थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप किसी पे भी भरोसा ना रखें। मेरिट के हिसाब से ही सारे एडमिशन्स होते हैं और ये एडमिशन आपको जब कॉलेज आता है तो ये आपको ऑनलाइन ही पता चलता है, इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप किसी भी एजेंट पे भरोसा ना रखें, कोई भी करप्शन का कोई भी चांस नहीं है। आप पूरी तरह से वेबसाइट रोज देखिए और जो भी अपडेट्स आते हैं उसके हिसाब से अपना एडमिशन जिस भी आपको कॉलेज में करना है उसके लिए आप पूरी से पूरी कोशिश कीजिए। मेरी तरफ से मैं और वीडियो बनाता रहूँगा जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक, लेकिन मेरे वीडियो के साथ साथ और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप वीडियो तो देखें लेकिन उसके साथ आप ये भी देख गवर्नमेंट की साइट देखना, वेड एडमिशन की ऑफिशियल साइट देखना बहुत ज़रूरी है। पहले काम आपको वो करना है, अगर आप ये वीडियो ना देखें मेरे वीडियो ना भी देखें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको पहला काम ये करना है कि आपको गवर्नमेंट की बीएड की जो एडमिशन की साइट है उसी को ज़्यादा महत्व देना है, वही ऑफिशियल वेबसाइट है। बाकी मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो तो एक्सप्लेनेशन के तौर पर होते हैं, मेरी जो जानकारी उसके हिसाब से मैं उनको इंटरप्रिट करता हूँ, अदरवाइज गवर्नमेंट की वेबसाइट काफ़ी है आपको सारी बातें समझाने के लिए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।